इस नवरात्रि पे आप बनाएं तीन इजी और मजेदार फ्लेवर के मिल्क शेक, जिनको पीने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी और पूरा दिन आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी। ये तीनों शेक इतनी आसानी से बन जाएंगे कि इनको कोई भी बना सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये मिल्क शेक की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं तीन अलग अलग फ्लेवर के मिल्क शेक। ड्राई फ्रूट मिल्क शेक के लिए सबसे पहले हम लेंगे काजू, बादाम और पिस्ता, और इनको हम सोक करेंगे दूध में 15 से 20 मिनट के लिए। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई नट्स ले सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद हम इसको डालेंगे एक मिक्सर जार में, और इसी के साथ डालेंगे एक ग्लास ठंडा ठंडा दूध। साथ ही में डालेंगे कुछ केसर के धागे। केसर डालने से इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही जबरदस्त आएंगे। और मीठे के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच शहद। आप चाहें तो शहद की जगह 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। और मिल्क शेक को ठंडा ठंडा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2-3 आइस क्यूब्स, और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे जब तक ये एक स्मूथ मिल्क शेक बनकर तैयार हो। ये बहुत ही टेस्टी और मजेदार मिल्क शेक बनकर तैयार होगा। आप इस नवरात्रि में ये मिल्क शेक जरूर ट्राई करें। आप देख सकते हैं केसर की वजह से इसका कलर कितना सुंदर आया है, और आप इसको गार्निश कर सकते हैं बादाम और पिस्ता के साथ, या फिर ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं। हमारा दूसरा मिल्क शेक है डेट्स मिल्क शेक। खजूर को हम पानी में सोक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आप गर्म पानी ले रहे हैं तो 10 मिनट भी काफ़ी हैं। अब 15 मिनट के बाद ये खजूर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। इनकी सीड्स मैंने पहले ही निकाल दी थी। अब इनको डालेंगे एक ब्लेंडर जार में, और साथ ही में डालेंगे एक ग्लास ठंडा ठंडा दूध। इसी के साथ डालेंगे 1 चम्मच किशमिश और 1 चम्मच चीनी। अगर आप मीठा कम लेते हैं तो चीनी बिल्कुल न डालें, क्योंकि खजूर में भी अपनी मिठास होती है। और इसे ठंडा ठंडा बनाने के लिए डालेंगे इसमें कुछ आइस क्यूब्स, और फिर इसे बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ हमारा मिल्क शेक बनकर तैयार हो। तो आप इस डिलीशियस मिल्क शेक को भी एक बार जरूर ट्राई करें। बनाना एप्पल मिल्क शेक के लिए हमने लिए हैं एप्पल्स, बनानास। आप चाहें तो एप्पल का छिलका निकाल सकते हैं, पर मैंने इसको छिलके के साथ ही यूज़ किया है और अच्छे से धो लिया था। और साथ ही में डालेंगे फ्लेवर के लिए 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच चीनी, और फिर इसमें डालेंगे 1 ग्लास ठंडा ठंडा दूध और थोड़े से आइस क्यूब्स भी डाल देंगे, और फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि एक स्मूथ मिल्क शेक बनकर तैयार हो। तो सिर्फ एक ही मिनट में हमारा ये एप्पल बनाना मिल्क शेक बनकर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे हमारे तीनों अलग अलग तरह के हेल्दी और टेस्टी मिल्क शेक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप इस नवरात्रि में इनको जरूर ट्राई करिएगा। नवरात्रि व्रत के लिए आपको और भी सात्विक रेसिपीज हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये हेल्दी मिल्क शेक की रेसिपी, मुझे कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय माता दी। बाय बाय।